दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी के W300 वेब कैम के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है बॉक्स मेरे पास, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताऊंगा क्या ये इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं और एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेब कैम है या नहीं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आपको एक वेबकैम चाहिए एकदम बढ़िया वाला, तो यार ये वीडियो पूरा देख लीजिए। ये वाला एकदम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेबकैम हो सकता है। मैं पिछले 7-8 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ और आपको पता है हमारे चैनल पे मैं कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी अनबॉक्सिंग या रिव्यू तभी डालता हूँ जब मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो पिछले 8-7-8 दिन से मैं इसको यूज कर रहा था, काफी सारी मीटिंग्स मैंने इसमें करी है और अभी भी करूंगा और आगे भी करूंगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये रिव्यू देख लेंगे आप तो पता चल जाएगा आपको कि कितना यूजफुल ये होने वाला है। आपको पता है आपके लैपटॉप में अगर वेबकैम आता है साथ में तो वो इतना अच्छा नहीं होता, और अगर हम माइक की भी बात करें तो भी वो इतना अच्छा नहीं होता कि आप एक मीटिंग अच्छे से कर पाए। तो अगर आप ज्यादातर मीटिंग करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं, तो यार ये वेबकैम जो है ये एचपी का W300 नॉर्मली काफी ज्यादा प्राइस में मिलता है, बट अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो यार वहां पर ये काफी सस्ते में, मैंने जब इसकी डील आई थी करीबन 2,000 रुपए समथिंग में ये डील आई थी, तो वहां पर मैंने पोस्ट किया था कि ये 2100 रुपए में आपको मिलेगा। 4,500 का वेबकैम है ये। जी हाँ, ये 4,500 का है जो कि आपको 2100 में मिल रहा था। इसी डील के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वाली डील अभी भी होगी उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पर आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको लेना ही है तो बाय कर लीजिए, क्योंकि एकदम वैल्यू फॉर मनी, आपको रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप फिर भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसका रिव्यू। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह की कुछ पैकिंग में ये आता है, एचपी का वेबकैम W300। और अगर हम प्राइस की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4,999 रुपीज लिखी गई है, यानी कि 5,000 रुपये इसकी MRP है। और ये 5,000 में नहीं, आपको ये नॉर्मली अगर हम बात करें तो 4,000 में मिलता है, बट अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा जैसे कि मैंने बोला, तो आपको ये बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, जो कि 2100 रुपये इसकी प्राइस थी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था, अगर वो ऑफ़र आपने देखा था, तो वहाँ पर 2100 रुपये की प्राइस में हमने ये ऑफ़र जो है वो डाला था, वहाँ पर ये ऑफ़र आया था। और अभी इसी तरह के ऑफ़र के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, आगे बहुत सारे ऑफ़र आने वाले हैं और जब भी आते रहेंगे वो उस पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बाकी और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और जैसे कि हम बात करें यहाँ पर इसके बॉक्स के अंदर से, तो इस तरह का कुछ पैकिंग में ही आता है, एक यूज़र मैनुअल भी आती है अंदर, जो कि कोई काम की नहीं, क्योंकि मैं इस यूज़र मैनुअल में जो लिखा है वो सारा तो नहीं पढ़ूंगा, बट जो यूज़फुल है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसमें लिखा है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो है वो हमारा डायरेक्टली वेबकैम हमें देखने को मिलता है, और बॉक्स में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और इस तरह से कुछ पैकिंग में आता है, और केबल काफ़ी अच्छी खासी लंबी केबल आपको देखने को मिलती है, और क्वालिटी जो है वो केबल की मुझे बहुत पसंद आई, मतलब कि इतनी अच्छी क्वालिटी की केबल है कि ख़राब नहीं होगी ज़्यादा जल्दी, और अच्छी केबल हमें देखने को मिलती है। और हम बात करें कैमरे की, तो देखिए कैमरा इस तरह का कुछ कैमरा आपको देखने को मिलता है, फोकस है इसका F2.0 वाला फोकस देखने को मिलता है, और फुल HD इस पर लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो फुल HD 1080p। अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्वालिटी वो नहीं मिलेगी, रेजोल्यूशन मिलेगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी। वाइड एंगल लेंस है, तो काफ़ी अच्छा लेंस आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, अगर मैं यहाँ पर आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊं कैमरे की और माइक की क्वालिटी दिखाऊं, तो कुछ इस तरह की दिखेगी। ये इसकी कुछ वीडियो क्वालिटी है जो आप देख पा रहे हैं, और जो साउंड आप सुन पा रहे हैं वो भी इसी वेबकैम के माइक का है। अब इसमें ड्यूअल माइक है, तो एक नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए हो सकता है मे बी, और शायद आपको अच्छे से वॉइस आ रही होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं, अच्छे से वॉइस आती है। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी बहुत आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म कर देगा अगर दो माइक दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी, बट हाँ अच्छी आएगी। जो नॉर्मल वेबकैम होते हैं उससे अच्छी आएगी, जो आप हेडफोन लगाते हैं उससे तो काफ़ी अच्छी आएगी, हेडफोन की बात अलग होती है, बट कुछ हेडफोन जो ऐसे होते हैं जो लोकल वाले होते हैं उससे तो काफ़ी अच्छी जो है वॉइस आती है। और अगर हम बात करें वीडियो की, जो 1080p की हमें वीडियो देखने को मिलती है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्वालिटी है वो इतनी नहीं देखने को मिलती है। क्वालिटी कब मिलेगी आपको, जब अच्छे से आपके पास लाइट आ रही है, जैसे कि मैं अभी लाइट के से थोड़ा सा दूर हूँ, अगर मैं लाइट के थोड़ा पास जाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं लाइट के एकदम पास आ गया हूँ, तो आपको जो क्वालिटी देखने को मिलेगी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप एक लाइट आपके फेस पे आ रही है अच्छे से, तो ये फिर अच्छा कैमरा आपको क्वालिटी भी ला के देगा, ऐसा नहीं कि क्वालिटी ला के नहीं देगा। तो ये लैपटॉप मैंने हाथ में ले रखा है, लैपटॉप में ये लगा के मैं घूम रहा हूँ इधर उधर अपने रूम में,
और ये आप देख पा रहे हैं मुझे, तो ये कुछ इसकी क्वालिटी देखने को मिलती है। आपने इसकी क्वालिटी देख ली, वीडियो क्वालिटी देख ली और माइक की क्वालिटी भी आपने देख ली इसकी। इस तरह की कुछ यहाँ पर क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। बाकी कैमरे में हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ ये इस तरह का कुछ कैमरा देखने को मिलता है जो कि इसको ईजिली आप लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगाने का दिया हुआ है। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं तो आपकी जो डिस्प्ले है उसमें लगा सकते हैं, लैपटॉप में भी ये लग जाता है, तो इस तरह से आप इसको लैपटॉप में भी लगा सकते हैं और डेस्कटॉप में भी जो स्क्रीन है सेम इसी तरह से वो प्लग हो जाता है। तो प्लग एंड प्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। और अनबॉक्सिंग अगर हम बात करें तो यही कुछ अनबॉक्सिंग में देखने को मिलता है, बॉक्स में और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर हम वारंटी की बात करें, 1 ईयर की वारंटी हमें देखने को मिलती है। 1 साल में अगर कुछ भी हो जाता है तो आप जब रजिस्टर किया आपने प्रोडक्ट, उससे 1 साल के बीच में आप जो है जब परचेस किया, जो भी परचेस आपका बिल होगा, अगर ऑनलाइन परचेस करें तो बिल चल जाएगा, जो बिल होगा आपका, जो बिलिंग डेट होगी उससे 1 ईयर की वारंटी काउंट होती है। तो जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो 1 ईयर की वारंटी में ये सॉल्व करके आपको देते हैं। एचपी का जो सर्विस सेंटर है वहां ले जाना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ कैमरा देखने को मिलता है। ज्यादा वेट नहीं है इसका, मतलब हाँ वेट तो है पर इतना वेट नहीं है जितना कि नॉर्मल वेबकैम में होता है, इसमें काफी कम वेट है। मुझे काफी पसंद आया पर्सनली अगर मैं बात करूं तो। आप भी इसको ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है इसकी अनबॉक्सिंग, अब बात करते हैं रिव्यू की। यहाँ पर मैं काफी समय से इसको यूज कर रहा हूँ और ये मुझे एक तो फुल HD, बिल्कुल ये फुल HD कैमरा है बट सिर्फ रेजोल्यूशन में। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये प्रोज नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है, ये इसकी एक गलत बात, मतलब कि ये कौन सा इसका कि ये सिर्फ जो है साइज में फुल HD है बट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसमें फुल HD वाली क्वालिटी नहीं आती है। अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। हाँ अगर आप जो है लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपकी जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर दिखेगी, जो कि ये जिस चीज़ के लिए बना है वो ये करता है, वो काम ये करता है, मतलब कि ये रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम इसको कंपेयर करें हमारे जो DSLR है उससे, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। ये मीटिंग के लिए बना है तो मीटिंग में ये जस्टिफाई करता है अपनी वैल्यू। तो अगर आप मीटिंग के लिए ले रहे हैं तो ये एकदम बेस्ट है। हाँ इसमें एक और अच्छी बात ये है कि आपको अलग से माइक परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें माइक जो है वो इनबिल्ट दिया है, वो भी ड्यूअल माइक है, तो काफ़ी अच्छी वॉइस जो है वो सामने वाले के पास जाएगी, तो आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अलग से हेडफोन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके लैपटॉप के स्पीकर अच्छे हैं और इसमें माइक दे दिया है, या फिर डेस्कटॉप में स्पीकर आपने लगा रखे हैं और इसका माइक वर्क करेगा, तो इसका माइक एकदम गजब का वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सिर्फ बढ़िया है, प्लग इन प्ले है। मतलब आपको कोई अलग से कुछ ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लाइए, डायरेक्ट लगाइए और चालू हो जाएगा कैमरा। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसकी फंक्शनलिटी, और OBS के साथ ये एकदम वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप पूछेंगे कि मोबाइल के साथ ये वर्क करेगा, तो यार मोबाइल के साथ ये कैसे वर्क कर सकता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसे कि क्या ये मोबाइल के साथ वर्क करेगा, तो ये मोबाइल के साथ वर्क नहीं करेगा, ये मोबाइल में इतनी पावर ही नहीं होती कि इसको वो चालू कर पाए। तो लैपटॉप के साथ ये वर्क करता है, क्रोमबुक के साथ वर्क करेगा, और आप डेस्कटॉप है आपके पास उसके साथ भी ये परफेक्टली फाइन वर्क करेगा। अगर आप एक मीटिंग के लिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई कैमरा लेना चाहते हैं, बेस्ट कैमरा है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आप कोई लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए भी कैमरा लेना चाहते हैं, तो एकदम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा है। हालांकि आप उसको DSLR को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास DSLR नहीं है और आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो ये वाला कैमरा एकदम बेस्ट हो सकता है आपके लिए। ये लेने के बाद कोई रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने ये क्या ले लिया, मतलब इतने जो पैसे आप लगा रहे हैं 2500 समथिंग का ये मिलेगा, तो आप इतने लगा रहे हैं तो वो वैल्यू है मनी, वो जस्टिफाई करेंगे, इसकी जो प्राइस है उसको जस्टिफाई करता है ये कैमरा। तो एकदम आप आँख बंद करके इसको ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने तो एक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।